असलम वेलकम टू स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में नाइन्थ क्लास बोलॉजी का चैप्टर थ्री है टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है आ, मतलब वेरिएशन ऑफ लाइफ जो अर्थ पर है उनको किस तरह से उनकी हिफाजत की जाए ठीक है उनको किस तरह से कंजर्व किया जाए सो so, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अब पाकिस्तान जो है दुनिया के उन खुशकस्मत ममालिक में शामिल होता है जिसमें हर किस्म का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर शामिल है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ ब्लेंड ऑफ़ लैंडस्केप अब अगर हम पाकिस्तान की जियोग्राफी देखें तो है। plains, desert, forest, ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप हैं यू विल फाइंड प्लेन्स डेजर्ट फॉरेस्ट हिल्स एंड प्लेटियस अब यहाँ पे ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप एंड जो मुख्तफ़ किस्म की और साख से मुराद है कि यहाँ पर मैदान भी हैं खेत भी हैं सहरा भी हैं और घने जंगलात भी हैं चोटियाँ और चट्टाने भी हैं देर आर कोस्टल एरियाज़ अलॉन्ग द अरबियन सी एंड माउंटेन्स ऑफ द कराकरम रेंज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान अब यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ भी हैं जो कि अरबियन सी हैं माउंटेन्स हैं जैसे कि कराकरम माउंटेन की जो रेंज है नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जो बर्फ़ से ढका हुआ है ठीक है दिस डाइवर्सिटी कंटेन्स डाइवर्सिफाइड हैबिटेट एंड एंड सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ फ्लोरा ये जो वेरिएशन है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है वो क्या करती है डाइवर्सिफाई कर देती है बहुत से हैबिटेट को लैंडस्केप को अब जो कि सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी बोथ बायोडाइवर्सिटी यानी कि फाना एंड फ्लोरा फाना एंड फ्लोरा यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पेक्टिवली फाना मतलब एनिमल्स फ्लोरा मतलब प्लांट्स ठीक है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन कवरिंग ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री पोजैसेज सिग्नीफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज़ बायोडाइवर्सिटी अगर हम कंट्री का जो पो पूर, पूरे कंट्री का जो पोर्शन है उसमें से एट्टी परसेंट हिस्सा जो है यानि कि एरिड एंड सेमी एरिड यानि कि बंजर और सेमी बंजर सेमी एरिड यानि कि आधा बंजर है आधा जरखेज़ है इस पर बेस करता है ठीक है ड्यूरिंग द लास्ट टू थ्री डेकेड्स आ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज है इन डेंजर्ड मेनली ड्यू टू ओवर एक्सप्लोशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट अब पिछली दो तीन दिहाइयों से क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स की ऐसी हैं जिनको खतरा हुआ है इस वजह से अब ये खतरा क्यों हुआ है फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन यानि जंगलात ख़त्म करना ओवर क्रेजिंग ओवरग्रेजिंग यानी कि जो जानवरों को चारा खिलाया जाता है पहाड़ों पर इधर उधर दूसरी जगहों पर ले जाकर फिर सॉइल इरोजन यानी कि जो ज़मीन काटी जाती है ज़मीन कटाओ फिर इसके बाद सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग आर पोजिंग मेजर थ्रेट्स टू द रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री और ज़मीन का जो खारापन है और वाटर लॉगिंग जो है बची कुची जो बायोडाइवर्सिटी है इस कंट्री की उसे तबाह कर रहे हैं the continuing loss of forest habitat with its associated fauna and flora will have serious implication for the nation's other natural and agricultural ecosystem ab ye jo continuing loss hai forest habitat ka yani ki jo janglat ka is tarah se khatma kiya ja raha hai ab jo ke fauna and flora दोनों से एसोसिएट है यानी कि जंगलात में जो हैं fauna and flora यानी कि animal and plants दोनों का जो माहौल है forest ठीक है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो सीरियस इंप्लीकेशनस होती हैं जो कि सिर्फ उनके लिए ही नुकसानदेह नहीं है बल्कि मुल्क का जो कुदरती और ज़री माहौल है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुजर है ठीक है टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स biodiversity should शुड बी पेड अटेंशन इन ऑर्डर टू सेव organism from being इन डेंजर तो इन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए बायोडाइवर्सटी शुड बी पेड अटेंशन तो इन तमाम प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर फोकस की जाए तो दी जाए और ऐसे जानदार ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनको ये ख़तरा लाक है उनको बचाया जाए कंजर्वेशन सिंपली इज़ द वे ऑफ़ केयरिंग अब कंजर्वेशन का मतलब अगर सिंपली वे में इसका कंज़र्वेशन का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है केयर करना सेविंग द स्पीशीज़ इनहैबिट ऑन अर्थ फ्राम डेंजर तो कन्जर्वेशन का मतलब अगर सिंपल वे में देखें तो इसका मतलब होता है केयर करना उनकी हिफाजत करना और ज़मीन पर जो भी ख़तरा हैं उनसे उनको बचाया जाए ठीक है इसके बाद है रीजनस टू कन्ज़र्व बायोडाइवर्सिटी तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत क्यों की जाए रीज़न्स क्या हैं सो so, biologists warn that ग्लोबल ecosystem would वुड बी if इफ़ continues to टू बी at एट द सेम रेट अब जो हयातिया दान हैं उन्होंने बहुत बार ये वार्निंग दी है कि जो ग्लोबल ecosystem है यानी कि जो एक ये माहौलिया निज़ाम है ये तबाह हो जाएगा अगर इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस किया गया अगर सेम रेट पे बायोडाइवर्सिटी इस तरह से ख़त्म होती गई तो फिर जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा देर फॉर इट इज़ मैंडेटरी टू कंजर्व लाइव ऑन अर्थ इन ऑर्डर टू मेक नेचर स्टेबल तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ का तहफ़ किया जाए अगर हम कुदरत का जो ये निज़ाम है उसे मुतवाजन रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि लाइफ को जो है वो कंज़र्व किया जाए उसकी हिफाजत की जाए Of its For example, and वो उन्हें की बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि हम क्योंकि हम बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनसे फायदा उठाते हैं जो कि अर्थ पे जमीन पर हमारी लाइफ के हसूल के लिए ज़रूरी है बायोडावर्सिटी बूस्ट इको सिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज़ कैन ईजीली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट इफ़ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो फूड चेन एंड एकको सिस्टम विल बी इम्बेलेंस अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो इको सिस्टम को बूस्ट करती है उसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है जहाँ पर स्पीशीज़ जो है वो ईजीली अपने अपने माहौल में सर्वाइव कर सकती हैं अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया जाएगा तो जो फूड चेन है और जो इकोसिस्टम है वो मुतवाजन नहीं रहेगा मतलब कि फिर बैलेंस ख़राब हो जाएगा विद मोर प्लान ट्रीज एंड एनिमल्स द सोइल इम्प्रूव एंड बिकम स्ट्रॉगर लेस प्रॉन्ट टू इरोइजन द्रॉट एंड फ्लडिंग अब पौधों दरख्तों और जानवर की तादाद में जो इजाफा है उससे जमीन जो है वो इम्प्रूव होगी यानी कि जो ये बंजर हो चुकी है वो जो जमीन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी साथ ही जो खुश्क साली और सैलाबी खतरा से भी लड़ने के काबिल हो सकती है अब यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है जो कि रिपोर्टिंग द डेटा टू तो शो दायोडाइवर्सिटी दा एट रिस्क रेड जो है वो बता रहा है बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इनडेंजर्ड है यानी कि उससे जो लो है इसकी बात है येलो वलनरेबल यानी कि जो इंडेंजर्ड होने के नज़दीक हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका क्या किसका क्या परसेंटेज है यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड होने के करीब हैं इंडेंजर्ड हो चुके हैं या फिर इंडेंजर्ड होने वाले हैं ठीक है तो ये था आज का लेक्चर अगर वीडियो हेल्पफुल आओ तो आप इसे करना है लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़